हेलो स्टूडेंट, अब हम इस वीडियो में देख रहे हैं कलर सीआरटी मॉनिटर्स और डिस्प्लेस कि अगर हमें कलर इमेज या कलर पिक्चर को डिस्प्ले करना है सीआरटी स्क्रीन पर तो कैसे होगा। तो अ सीआरटी मॉनिटर डिस्प्ले कलर पिक्चर्स बाय यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ फॉस्फोरस दैट इमिट डिफरेंट कलर्ड लाइट। मैंने आपको बताया था कि फॉस्फोरस की एक प्रॉपर्टी होती है कि जैसे ही फॉस्फोरस पे इलेक्ट्रॉन बीम हाई स्पीड में स्ट्राइक होता है, वैसे ही जिस पॉइंट पे वो जिस पिक्सल पे वो स्ट्राइक होता है वो पिक्सल ग्लो होने लगती है। तो अगर ये जो फॉस्फोरस हम यूज़ कर रहे हैं, अगर वो कलर्ड फॉस्फोरस होगा, तो अगर ये रेड कलर का फॉस्फोरस हम यूज़ करेंगे और इलेक्ट्रॉन बीम इस पर स्ट्राइक करेगी तो रेड कलर जो है स्क्रीन पे शो होगा। तो अगर हम ग्रीन कलर का फॉस्फोरस लेते हैं तो ग्रीन कलर का पिक्सल हमें स्क्रीन पर शो होगा। सीआरटी कलर मॉनिटर्स हैं वो कलर पिक्चर्स को कैसे डिस्प्ले करवाते हैं, बाय यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ फॉस्फोरस। उन फॉस्फोरस को लेते हैं जो कि अलग अलग कलर की लाइट को इमिट करते हैं, यानी डिफरेंट कलर के फॉस्फोरस को कोट किया जाता है स्क्रीन पे, जिससे डिफरेंट कलर्स जो हैं स्क्रीन पे शो हो, जिससे पिक्चर जो है वो कलर्ड पिक्चर शो हो। इट प्रोड्यूसेस रेंज ऑफ कलर्स बाय कंबाइनिंग दी लाइट इमिटेड बाय डिफरेंट फॉस्फोरस। अगर आप स्क्रीन पे डिफरेंट कलर्स को शो करना चाहते हो तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, जो डिफरेंट फॉस्फोरस हैं, जो डिफरेंट कलर के फॉस्फोरस हैं, उनके कलर्स को आपस में कंबाइन करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि डिफरेंट कलर्स की रेंज जो है पिक्चर्स में दिखेंगे। तो क्योंकि हमें पता है कि जितने भी कलर्स बनते हैं वो रेड, ग्रीन और ब्लू को मिक्स करके बनते हैं, तो अगर आप मल्टीपल कलर्स को जनरेट करना चाहते हो तो अगर हम रेड, ग्रीन और ब्लू फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन यूज़ करते हैं तो उस केस में क्या होगा, मल्टीपल कॉम्बिनेशंस ऑफ कलर्स जनरेट हो जाएंगे। तो यही कंसेप्ट यूज़ किया जाता है कलर सीआरटी मॉनिटर्स में। टेक्निक्स फॉर प्रोड्यूसिंग कलर डिस्प्ले। तो अगर हमें कलर पिक्चर शो करनी है तो उस केस में उसके लिए दो टेक्निक्स होती हैं जो कलर डिस्प्लेस में यूज़ होती हैं। फर्स्ट इज़ बीम पेनिट्रेशन टेक्निक, जो कि रैंडम स्कैन सीआरटीज में यूज़ होती हैं, और सेकंड जो होती है वो शेडो मास्क टेक्निक होती है जो रास्टर स्कैन डिस्प्लेस में यूज़ होती है। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं बीम पेनिट्रेशन टेक्निक। तो यहाँ पर क्या होता है, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि सीआरटी में कैसे वर्किंग होती है, बस यहाँ पर डिफरेंस क्या है कलर सीआरटी में कि यहाँ पर जो ट्यूब के अंदर की जो आउटर लेयर होती है वो रेड फॉस्फोरस की होती है और जो इनर लेयर होती है ग्रीन फॉस्फोरस की होती है। अगर इलेक्ट्रॉन बीम को स्लो स्पीड में इमिट किया जाए तो वो जाके किससे स्ट्राइक होगी, इस रेड कलर की आउटर लेयर से। बीम के लिए ये क्या है, आउटर लेयर है, तो इस आउटर लेयर से जाके क्या होगी, स्ट्राइक होगी और स्क्रीन पे कौन सा कलर डिस्प्ले होगा, रेड कलर। और अगर ये इलेक्ट्रॉन बीम हाई स्पीड में स्ट्राइक करती है स्क्रीन पर तो वो किस पे जाके पेनिट्रेट होगी, ग्रीन फॉस्फोरस से, और ग्रीन लाइट इमिट होगी। और अगर इस इलेक्ट्रॉन बीम की स्पीड इंटरमीडिएट रखी जाती है तो इसमें जो कलर जनरेट होगा वो ऑरेंज या येलो होगा। क्यों, क्योंकि रेड और ग्रीन के कॉम्बिनेशन से दो कलर जनरेट होते हैं, एक होता है ऑरेंज और दूसरा होता है येलो। तो किस स्पीड पे, किस इंटरमीडिएट स्पीड पे इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक होती है उस पर डिपेंड करता है कि वो येलो कलर दिखा कि ऑरेंज कलर दिखेगा। तो ये जो फिगर है ये बीम पेनिट्रेशन सीआरटी को शो कर रहा है। दिस बीम पेनिट्रेशन टेक्निक इज यूज विथ रैंडम स्कैन मॉनिटर्स। इन दिस टेक्निक्स इनसाइड ऑफ सीआरटी कोटेड विथ टू फॉस्फोरस लेयर्स, यूजुअली रेड एंड ग्रीन, द आउटर लेयर ऑफ रेड एंड इनर लेयर ऑफ ग्रीन फॉस्फर। द कलर ऑफ इमेज डिपेंड्स ऑन हाउ द इलेक्ट्रॉन बीम पेनिट्रेट्स द फॉस्फरस लेयर। अ बीम ऑफ फास्ट इलेक्ट्रॉन पेनिट्रेट्स मोर एंड एक्साइट इनर ग्रीन कलर, वाइल स्लो इलेक्ट्रॉन एक्साइट्स आउटर रेड लेयर। एन इंटरमीडिएट बीम स्पीड वी कैन प्रोड्यूस कॉम्बिनेशन ऑफ रेड एंड ग्रीन लाइट्स विच इमिट्स एडिशनल टू कलर्स, ऑरेंज एंड येलो। द बीम एक्सेलरेशन वोल्टेज कंट्रोल्स द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड कलर ऑफ पिक्सल। तो ये जो बीम की एक्सेलरेशन वोल्टेज है वो किसको कंट्रोल करेगी, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, और उसके अकॉर्डिंग ही कलर्स जो हैं पिक्सल का शो होगा। अगर फास्टर एक्सेलरेशन वोल्टेज दिया हुआ इलेक्ट्रॉन बीम को तो ग्रीन शो होगा, अगर स्लो दिया है तो रेड, और इंटरमीडिएट के ऑरेंज या येलो शो होगा। इसका ड्रॉबैक क्या है, इट कैन डिस्प्ले ओनली फोर कलर्स, सिर्फ फोर कलर्स ही हम शो कर सकते हैं, रेड, ग्रीन, ऑरेंज एंड येलो।
इन दिस टेक्निक क्वालिटी ऑफ पिक्चर इज़ नॉट गुड कम्पेयर टू दी अदर टेक्निक। जो सेकेंड हम देखेंगे शेडो मास्क टेक्निक, उसके कंपैरिजन में इसकी क्वालिटी ऑफ पिक्चर क्या होगी, इतनी अच्छी नहीं होगी। बस एडवांटेज क्या है कि ये इनएक्सपेंसिव टेक्निक है, तो इसके जो ड्रॉबैक हैं कि सिर्फ हम 4 कलर्स को ही डिस्प्ले कर सकते हैं और क्वालिटी ऑफ पिक्चर भी इतनी अच्छी हमें नहीं मिल रही है, तो उसके लिए सेकेंड टेक्निक यूज़ की जाती है, शेडो मास्क टेक्निक। इसमें क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन गन्स होती हैं। जो रेड वाली है इलेक्ट्रॉन गन, वो सिर्फ रेड फॉस्फोरस को एक्साइट कर सकती है, और ब्लू वाली ब्लू फॉस्फोरस को एक्साइट कर सकती है, और ग्रीन कलर की ग्रीन कलर के फॉस्फोरस को एक्साइट कर सकती है। यहाँ पर एक शेडो मास्क होता है, उसमें क्या होते हैं, मल्टीपल होल्स होते हैं, और ये वाली जो इलेक्ट्रॉन गन है, ये तीनों एक साथ जो है इलेक्ट्रॉन बीम को इमिट करती है, तब स्क्रीन पर जो एक पिक्सल होगी वो एक ट्राइंगल के फॉर्म में होगी, और उसमें 3 डॉट्स होंगे, एक रेड का, एक ब्लू का और एक ग्रीन का। ये 3 डॉट्स होंगे, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन बीम एक होल से अलाइन होके इस स्क्रीन पर स्ट्राइक होंगी, तो रेड वाली जो है वो रेड वाले डॉट को एक्साइट कर देगी, ग्रीन वाली ग्रीन को, और ब्लू वाली ब्लू एक्साइट कर देगी। तो किस इंटेंसिटी से ये बीम जो है स्क्रीन पर इन पर स्ट्राइक हो रही है, उस पर डिपेंड करेगा कलर की, कौन सा कलर इस पिक्सल का शो होगा। जो कलर्स होते हैं वो रेड ब्लू ग्रीन के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, तो अगर रेड ज़्यादा है, ग्रीन कम है, या ब्लू ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ अलग कलर प्रिंट होगा। डिपेंड करता है कि किस इंटेंसिटी से ट्राइंगल डॉट जो है उसे एक्साइट किया है इन तीनों इलेक्ट्रॉन गन पे। इससे बेनिफिट क्या होगा कि जो पिक्चर्स होंगी वो कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल कलर्स की शो कर सकते हैं हम स्क्रीन पर, तो यही बेनिफिट है इस टेक्निक का। यहाँ पर बीम पेनिट्रेशन में सिर्फ 4 कलर्स ही हम डिस्प्ले कर पा रहे थे पिक्चर में, यहाँ पर हम मिलियंस ऑफ कलर्स को डिस्प्ले कर सकते हैं पिक्चर में। द शेडो मास्क टेक्निक प्रोड्यूसेस वाइड रेंज ऑफ कलर्स एज कम्पेयर टू बीम पेनिट्रेशन टेक्निक। दिस टेक्निक इज़ जनरली यूज इन रास्टर स्कैन डिस्प्ले इंक्लूडिंग कलर टीवी। तो ये टेक्निक रास्टर स्कैन डिस्प्ले में यूज होती है और कलर टीवी में यूज होती है। इन दिस टेक्निक द CRT स्क्रीन हैज़ 3 फॉस्फोरस कलर डॉट्स एट ईच पिक्सल पोजिशन, 1 डॉट फॉर रेड, 1 फॉर ग्रीन एंड 1 फॉर ब्लू लाइट। एक डॉट ट्राइंगल होता है जिसमें 3 डॉट्स होते हैं एक पिक्सल के अंदर, एक रेड का, एक ब्लू का और एक ग्रीन का। इन CRT देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन गन्स प्रेजेंट, 1 फॉर ईच कलर डॉट, और हर कलर डॉट के लिए एक इलेक्ट्रॉन गन होती है। देयर इज़ ए शेडो मास्क ग्रिड जस्ट बिहाइंड द फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन। तो ये जो फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन है, इसके जस्ट पीछे एक शेडो मास्क ग्रिड होती है। दी शेडो मास्क ग्रिड कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ होल्स अलाइंड विथ फॉस्फोरस डॉट पैटर्न। और ये जो शेडो मास्क ग्रिड होती है, इसमें बहुत सारे होल्स होते हैं जो किससे अलाइंड होते हैं, फॉस्फोरस डॉट पैटर्न से। 3 इलेक्ट्रॉन बीम्स आर डिफ्लेक्टेड एंड फोकस्ड एज ए ग्रुप ऑन टू द शेडो मास्क एंड देन पास थ्रू अ होल द एक्साइटेड डॉट ट्राइंगल। तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन बीम्स हैं वो इस टाइप से डिफ्लेक्ट और फोकस की जाती हैं कि तीनों मिलकर शेडो मास्क ग्रिड के एक होल से जो है पास हो और स्क्रीन के एक पर्टिकुलर डॉट ट्राइंगल पे जाके स्ट्राइक हो। इन डॉट ट्राइंगल 3 फॉस्फोरस डॉट्स आर अरेंज सो दैट ईच इलेक्ट्रॉन बीम कैन एक्टिवेट ओनली इट्स करस्पॉन्डिंग कलर डॉट व्हेन इट पासिस थ्रू द शेडो मास्क। तो इस डॉट ट्राइंगल के अंदर 3 फॉस्फोरस डॉट्स होते हैं और हर इलेक्ट्रॉन बीम जो है अपने करस्पॉन्डिंग कलर के डॉट को एक्टिवेट करती है जब वो शेडो मास्क से पास होके स्क्रीन के कलर डॉट से स्ट्राइक होती है। अ डॉट ट्राइंगल व्हेन एक्टिवेटेड अपीयर एज अ स्मॉल डॉट ऑन द स्क्रीन विच हैज़ कलर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 स्मॉल डॉट्स इन द डॉट ट्राइंगल। तो ये जो डॉट ट्राइंगल है वो एक्टिवेट होने के बाद एक स्मॉल डॉट स्क्रीन पे दिखता है और उसका कलर जो शो होता है वो किसका कॉम्बिनेशन होता है, उन 3 स्मॉल डॉट्स का जो डॉट ट्राइंगल के अंदर हैं। By changing the intensity of the 3 electron beams, we can obtain different colors in the shadow mask CRT. तो इंटेंसिटी ये जो तीनों इलेक्ट्रॉन बीम हैं इनकी इंटेंसिटी को अगर हम चेंज कर दें तो हम बहुत सारे डिफरेंट कलर्स जो हैं शेडो मास्क CRT के थ्रू जनरेट कर सकते हैं पिक्चर में। टीवी में यूज़ होती है ये टेक्निक, एक्सपेंसिव टेक्निक होती है और ये जो है बेटर क्वालिटी की पिक्चर प्रोड्यूस करती है एज़ कम्पेयर टू बीम पेनिट्रेशन टेक्निक। और इसमें मल्टीपल रेंज ऑफ कलर्स पिक्चर में हम शो कर सकते हैं, तो ये इसके बेनिफिट्स हैं।